मिनट। क्या आवाज आ रही सबको? फटाफट इन्फॉर्म करो कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ भाई आवाज़ आ रही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आ जा फटाफट। हाँ बहुत कम लोग वॉचिंग कर रहे हैं, क्या बात है। आज हेलो एवरीवन, आज महीना ख़त्म हो रहा है, लास्ट है, तो क्लासेस ज़्यादा होती हैं आज के दिन, क्योंकि मैंने फ्री क्लासेस ज़्यादा ले ली और मेन क्लास नहीं करी, मेन क्लास नहीं ली और आपको फ्री पढ़ाने वाली क्लासेस ज़्यादा ले ली है ना, तो वो क्लासेस जो मिस हो जाती है उनको कंप्लीट करना होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ए प्रशांत कुमार गुप्ता, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन होगा, करियर आया पहले। वो सी ए तो हर जगह आ रहा है, ये तो बाहर हो गया था पहले ही। सी ए आर आ रहा था, आर आ रहा है, आर के बाद आर आया, यहाँ पे टी आ गया। हेलो बाबू, बाबू कौन है? ठीक है, तो ये बाहर ऐसे ही हो गया, ये ऐसे बाहर हो गया, तो सी बचा, सी आंसर है। आज बच्चे कम है, ऐसा क्यों? निखिल राजा, राजा राजवानिया, वेरी गुड, क्या नाम है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सैफ अली भी बोल रहे हैं, और बताओ। बाबू है आपके? अच्छा, अब देखो भाई सबसे पहले क्या आएगा,
वेरी गुड विजय गौतम, स्वप्ना साहब क्या खा रहे हो सर? भूख लग रही यार, है ना? फिर एफ आ गया, एफ आ गया, यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एफ आ गया, तो पहले क्या आएगा? ई वाला आएगा, डी ऑप्शन हो गया, क्लियर है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर है? इसका आंसर क्या हुआ? वर्मा स्टडी पॉइंट हाई, TOTOTO, RRRRR, यानी आर के बाद टी आया, ये तो बाद में आएगा, आर आया, एस आया, आर के बाद क्यू आया, आर के बाद टी आया, यानी क्यू वाला पहले आएगा, फोर्थ, फिर आएगा आर वाला टू, ये ऑप्शन, ए ऑप्शन है सी ऑप्शन? यार ए ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा, श्याम किशोर कुमार राय, इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन कैसे होगा भाई? कैसे आंसर ये आ जाएगा, सी आ जाएगा? जरा हमको सुना, गलती कर दी सबने, कुंदन ने, सैफ अली खान ने कर दी गलती, ए ऑप्शन। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन।
इसका आंसर क्या होगा? नेक होगा, पहले क्या आएगा, के एन आएगा, एन के बाद क्या था, ए आता नंबर एक पर आएगा, फिर के एन के बाद आएगा आई वाला, फिर के एन के बाद ओ वाला। तो ये ओ वाला, फिर डब्ल्यू वाला आखिरी में आएगा, बी वाला पहले आएगा, यहाँ बो आएगा, फिर नो आएगा। बता भाई। किसी का हुआ? किसी का नहीं हुआ? नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट दे पा रहा हूँ। कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बताता हूँ आपको। देखो भाई, छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, पहले तो जानो 12 होगा। 12 किसने आंसर सही दिया? अमित भारती ने, विजय गौतम ने, कुंदन सिंह ने आंसर सही दिया, मोहम्मद शाकिब ने आंसर गलत दिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों से दो गुनी हैं। लड़कियां किससे? लड़कों से दोगुनी है। अगर हम लड़कों को एक्स मान लें तो लड़कियां कितनी हैं? दो गुनी है, यानी कितनी हैं? 2x है। ये क्या है? गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, दो गुनी है, क्लियर है। और उसने बोला कि क्लास में 60 लोग हैं टोटल, तो यानी एक्स लड़कियां हैं तो 2x लड़के हैं, टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। तो 3x बराबर 60 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। लड़कियां एक्स थी यानी 20 हो गई, लड़के 2x थे तो 2 × 20 हो गया, यानी 40 हो गई। क्या हुआ? 40 हो गए हमारे लड़के। अब क्या कह रहा है कि यहां तक बात खत्म हो गई। कमल सीट से 17वें स्थान पर है। कमल जो है ये टॉप लाइन, अगर हम लाइन खींच दें, अगर टोटल 60 बच्चे हैं तो कमल जो है शीर्ष से, यहां से मान लो 17वें स्थान पर है। कमल कहां पर है? 17वें नंबर पर है, 17 नंबर पर है ना। कमल क्या है? कमल की जो संख्या है, कमल 70 नंबर से कहां से है? ऊपर से है, शीर्ष से। ये ऊपर से 17 है, नीचे से, इसके नीचे कितने लोग होंगे? कमल के नीचे कितने लोग होंगे, समझ रहे हो? अगर कमल ऊपर से 17वीं रैंक पर है तो नीचे नीचे कितने लोगों के? कमल के 60 में से 17 को माइनस कर दो
तो कमल के नीचे कितने होंगे? 43 लोग होंगे। अगर पूछता सवाल कि कमल के नीचे कितने लोग हैं, तो आप बोलते 43 लोग कमल के नीचे हैं। फिर उसके बाद बोला कि अगर अगर कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे क्या बोला है? अगर कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो फिर बोला कि उसके पीछे कितने लड़के हैं। ठीक है भाई, कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कमल से आगे 9 लड़कियों का मतलब क्या भाई, बता फटाफट। कमल से आगे यानी लड़कों में कितने हैं? 40 हैं। लड़के कितने हैं? ठीक है भाई समझो, लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? तो ये 43, 43 में अब हमें कितना माइनस करना पड़ेगा। उसने बोला कि कमल, अगर कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे कितने हैं? 9 लड़कियां हैं, तो भाई 40 में 9 माइनस करो, कितने बचे? यहाँ 31, यानी 31 लोग के आगे वो कमल है ना। कमल के आगे कितने लड़के हैं? कमल के आगे क्या बोला उसने? कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल के पीछे लड़कियां कितनी होंगी? ये कमल के 40 बच्चे हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल के पीछे कितनी होंगी? 40 में से 9 माइनस कर दो, तो 31 बचेंगी, 31 पीछे होंगी, तो ये कमल के पीछे कितनी? 31 है। तो यही तो बोला उसने, 43 में से 31 माइनस करो, कितना आया? 12। कितना आ गया भाई? 12। क्लियर है आंसर? कितना आ गया? 12। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? 12 12 समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? कमेंट तो कर दो, बता दो 12 आ गया कि नहीं आ गया? वीडियो को लाइक करो भाई फटाफट सुन लो, फिर से बताएं। देखिए बोला है कि एक्स क्या है, फिर से बताना है, फिर से क्या? फिर से बताना है या आ गया? अगला बताओ, आ गया या फिर से? आ गया। बता भाई, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो भाई ट्रायंगल में क्या होता है, चलो आखिरी बता देंगे, ठीक है आखिरी में, कोई दिक्कत हो पूछ लेना फिर से, कोई टेंशन नहीं, बता दूंगा भाई। ठीक है भाई, इसका तो सबको डायरेक्ट पता है, 5, 11, 27, 37, 15 कहाँ से हो जाएगा भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम बहुत ही गए। कोमल कुमारी आपका कमेंट देख रहे हैं हम। टोटल कितने हैं? 10 हैं और ये बड़ा वाला 11। दस और एक बड़ा वाला 11।
अगर इसको काउंट करें हम लोग, मान लो ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, तो कितने हो गए भाई? छः तो ये हो गए हमारे सिंगल वाले। अगर हम बात करें कि ए और सी हो गया एक, एक डी और ई हो गया। हाँ आई नो इट हैज ट्रिक, 5, 11, 27, आई नो ट्रिक। बी और एफ हो गया, ये हो गए, कितना हो गए भाई? आई नो इसकी ट्रिक पता है मेरे को, बस अभी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊँगा ना, पढ़ा थोड़ी रेड टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, लाइव टेस्ट चल रहा है। लाइव टेस्ट में क्या पढ़ाया जाता है भाई? ये नहीं ना, कितना होगा भाई? 6 और 3 9 हो गया, ठीक है, दो दो वाले, कितना? ए सी डी और बी एफ, ठीक है, एफ बी है ना। अब हम तीन तीन वाले लेंगे, तीन तीन वाले, इसका भी ट्रिक होता है डायरेक्ट, इसका भी डायरेक्ट ट्रिक होता है ना, निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं बेसिक। ए बी एफ हो गया, सी डी ई हो गया, डी ई एफ हो गया, ई एफ बी हो गया, और एफ ए बी हो गया, ये हो गया, कितने हो गए? 6, 3, 9, 5, 14, 14 आ गया। जैसे 14 आ गया तो ये सारे ऑप्शन से बाहर हो गए, ये वाला आंसर बचा, और एक बड़ा वाला भी हो गया 15, और एक और है 16, एक और है 16, ठीक है, क्लियर है? 16 बताओ भाई साहब, वीडियो को लाइक करो पहले फटाफट। वीडियो को लाइक करो पहले फटाफट, जितने लोग देख रहे हो। सैफ अली, रुचि पाल, अनिल यादव, तेरह का डी होगा, देखो देख। अब ए ग्रेटर देन सी बोल रहा है, बिल्कुल सही होगा, ए बराबर सी बोल रहा है, हाँ, ए ऑप्शन, ई बराबर पी, पी इज लेस देन आर इक्वल टू क्यू, Q इज ग्रेटर देन V, भाई वीडियो को लाइक करो भाई सब लोग फटाफट। वीडियो को लाइक करो भाई, क्या डी आ रहा है? क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी सबका आ रहा है, डी। अगला सवाल गलत लिखा हुआ है, ये बताओ बहुत भूख लग रही है यार मुझे।
भूख लग रही थी, भूख तो खा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ई सिस्टर ऑफ बी, ई ठीक है, ए इज फादर ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ ई, ये पूछ रहा है। यानी ये ई क्या है, ये इसकी माँ है या पापा है, जो भी है ऊपर है, ग्रांट का रिलेशन है। ठीक है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, मैं खा रहा हूँ। भाई ये वीडियो लाइक करो फटाफट। अच्छा भाई ये वीडियो लाइक करो, जो क्या बोल रहा है, दया का एक भाई अनिल है, दया इज द सन ऑफ चंद्रा, विमल इज चंद्रास फादर, ये चंद्रा है, विमल इज चंद्रास फादर। व्हाट इज द अनिल ऑफ विमल, ये पूछा गया है। खाओ सर जी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दीपका, थैंक यू। इसका आंसर क्या होगा? इसको बताइए। कमल कहता है रवि की माँ किसकी माँ, कमल ने कहा मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कमल की बहन, तो और ये रवि की माँ है। अब वो चलाए कि कमल का रवि से क्या संबंध है। भाई साहब माँ का भाई है, मामा लगेगा। माँ का भाई क्या लगता है?
पिंकी, रॉकिंग स्टार, उमेश यादव, यादव जी, जॉय, मामा, मामू, वीडियो लाइक करो भाई। ए ऑप्शन ट्रू होगा। उसने क्या कहा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी फॉर्चून बहादुर का पक्षधर है। पहला इसका कहा, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर द डेथ। कौन सा ट्रू होगा, पहला या दूसरा? कौन सा ट्रू होगा, पहला या दूसरा? कौन सा होगा, पहला? ठीक है, ओनली ये। हाँ, क्या हुआ भाई? नहीं सो रहे, थोड़ी देर फोन कर रहे, अभी थोड़ी देर फोन कर रहे हैं। बता भाई क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अब देखो भाई क्या हुआ, आधुनिक व्यक्ति अपने भाग्य को उस पसंद से प्रभावित करता है जो वह अतीत में करता है। पहले मनुष्य क्या करता था, के लिए विकल्प उपलब्ध थे। भाई सही बात है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ये बताओ फटाफट क्या होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा था ये? भाई क्या समझ में नहीं आ रहा आपको?
व्हाट इज लापता श्रृंखला? अरे एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, और ये होगा एक्स। तो क्या बना यहाँ पे? नहीं समझ में आया? इसको समझ नहीं आया भाई। किसको समझ नहीं आया? सैफ अली खान का अलग आंसर क्यों, आंसर अलग क्यों आता है? अब देखो भाई साहब, डी ऑप्शन ठीक है, दिख गया भाई। अगला बताओ, वाटर इमेज। अगला बताओ, क्या वो जो है नाराज क्यों हो रहे हो? अरे सब लोग कहाँ से हो, कौन कहाँ से पढ़ रहा है? बी ऑप्शन गोरखपुर से कौन पढ़ रहा है? जितेंद्र गुप्ता? कहाँ पढ़ते गोरखपुर में, कहाँ रहते हो?
गुरुनाथ मंदिर के पास रहते हो? अच्छा दुर्गावाड़ी है, दुर्गावाड़ी गुरुनाथ मंदिर के पास। बताओ फटाफट क्या हुआ? अब देखो भाई, अब ठीक है भाई। अब देखो भाई, तीन कॉमन एरिया, ठीक है। अब हम देखो, दो का अपोजिट छः हो गया, एक का पाँच हो गया, तीन का क्या हो गया? चार हो गया।
पता है इसका आंसर क्या होगा? कर लिया यू। अगला देखो भाई, 7 कम हुए, 6 कम हुआ, 5, 4, 3। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिवर्स पेयर लिखा हुआ है सारा। क्या लिखा हुआ? रिवर्स पेयर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 15 के बाद क्या होगा? 12 के बाद क्या आएगा बताओ? MN आएगा। क्या आएगा? देखो लॉजिक चल रहा है, 4 MN। बोलो भाई कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? विच वर्ड कांट बी फॉर्म सी। 3 वर्ड टी आ रहा है यहाँ पे, एक और एक दो आ रहा, 2 टी आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे 3 वर्ड टी आ रहा है, यहाँ पे कितने? एक दो टी आ रहा है, यहाँ पे एक दो तीन आ गए, ये नहीं बन सकते।
कुछ अच्छा क्वेश्चन दिखाएं क्या? क्वेश्चन नहीं चले यार, कहाँ गए? ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल नहीं किया था, है ना? ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने नहीं किया था। हुआ था कल? करो करो फिर से करो, लगता भूल गया। हो चुका है, चलो चलते हैं फिर, एक बार कर लेते हैं फिर दूसरा करते हैं। जी इज फैटर देन एच, ये हो चुका है ना, हो चुका है एच। ये भी हो चुका था, ये हो गया था। ये नहीं हुआ था, बताओ। ये करो, ये वाला करो फटाफट। भी एक सवाल भी दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन वाला आपके लिए। ओके एक क्वेश्चन मुझे मिल गया बहुत अच्छे वाले, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ आपको।
बताइए सॉल्व करिए। बता भाई, मेरे पीछे 24 लिखा हुआ है, 24 24। मैं झुक जा रहा हूँ, झुक जा रहा हूँ। आप देखो, तो 4 से क्या 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। तया ये ऑप्शन। अगला बताओ। अगला बताओ, अगला फटाफट। बताओ कौन मिस कर रहा है। कितना जोड़ा गया है, 180, 141 में कितना जोड़ दे, 180 हो जाएगा। वेरी गुड विष्णु कुमार, टॉपर स्पेशल क्लास के। बता भाई,
98 आ गया। अच्छा विक्की मुंडल 98 आ गया, सबको जोड़ दो। हाँ फैन धीमे कर दें। बारह प्लस 15 27, 15 प्लस 11 26, 11 प्लस 18 29, 18 और 12 40, 30 30। CPNCBZ अरे नहीं भाई कपिल जी, आ तो रही, वैसे से छुपाना क्या, क्लास है ना मेरी दूसरी, 5 बजे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है जगह।
बस छोड़ दे, थोड़ी देर में। तेरा आंसर आ रहा है, 1 5 8 13, 1 2 3, 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, ठीक है। इसको जोड़ा ये आया, इसको जोड़ा ये आया, इसको जोड़ा ये आया, इसको जोड़ा ये आया, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लास ले नहीं पा रहा हूँ ढंग से। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है पता है, आज आखिरी क्वेश्चन ये, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, थक गया हूँ बहुत सारी क्लास ले लेके, थक गया हूँ है ना। चलो वीडियो लाइक कर देना, सी ऑप्शन। ठीक है चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।